दीदी आज जो भीओ ऑफिस है ना दीदी, वही आज उत्पादक समूह का मीटिंग हो रहा है दीदी, हम वहीं पर जा रहे हैं। ए उत्पादक समूह के आया दीदी? दीदी भीओ ऑफिस चलिए ना दीदी, वहीं पर सीखेंगे हम लोग। चलिए चलिए। सभी दीदी एवं भैया को प्रणाम। मेरा नाम प्रतिमा कुमारी, मैं ग्राम खरवाड़ा के रहने वाली हूँ। मैं देवी जी का स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष हूँ, प्रखंड हरनौ जिला नालंदा। सभी दीदी भैया को मेरा प्रणाम। मेरा नाम निर्मला भारती है, अम्बेडकर जीविका स्वयं सहायता समूह के सदस्य हूँ, सूरज ग्राम संगठन के सदस्य हूँ, खरवाड़ा गाँव के रहने वाली हूँ, ग्राम खरवाड़ा पोस्ट चेड़ो जीरा नालंदा प्रखंड हरनौत। हमने सब क्या कहा बोले दीदी? दीदी जो खेती करा थी, सब्जी लगवा थी, तो सब्जी के एक समूह बनते, जैसे बख्तियारपुर जा थी बेचे लगी, हरनौत जा थी, बिहार जा थी बेचे लगी, ओकरा में जाए में समय भी लगा है और आवे जाए में भाड़ा भी गए, उस सब के बचाव लगी एक समूह यहाँ एक मंडी खुलते, वही लगी एक समूह यहाँ बढ़ रहे है सब दीदी सबके। समूह बनावे से क्या फायदा है और समूह में मैंने सब्जी जो होगा, बीज जो दीजिएगा, उससे क्या कहाँ कैसे लगाया जाएगा, क्या किया जाएगा? समूह बनाने से यही फायदा है कि हम लोग दीदी सब्जी जो उत्पादक करते थे वो सब अलग अलग जैसे समूह उत्पादक करते थे वो दीदी ले जाते थे हरनौ बिहार बख्तियारपुर ले जाते थे बेचने के लिए। अब हम लोग का समूह बन गया, यहाँ एक अथी खुल गया, कमेटी खुल गया और सब्जी हम लोग को वहीं पर बिक जाएगा, बख्तियारपुर बिहार के भाव हम लोग को यही मिल जाएगा, तो यही ना हम लोग को देने में फ़ायदा है। और ये है कि हम लोग को समय की भी बचत हुआ और जो भाड़ा तो लगता था उसका भी बचत हुआ, और बीज हम लोग दीदी जाते थे खरीदने के लिए, सब दीदी अलग अलग जाते थे बीज खरीदने के लिए, तब ये दीदी कमेटी के जो दीदी हैं खरीदारी कमेटी के, वही दीदी खरीदारी बीज खरीदारी करके उन लोग को ला कर दे देगी और पैसे का भी बचत हुआ। बीज है अच्छे बीज है तो एक दीदी को जाने से मतलब कि ज़्यादा भाव में मिलता है वो बीज, हम लोग अगर 10 दीदी जाकर एक साथ लाएंगे बीज तो वो बीज कम रेट में मिलेगा। दीदी हम समूह में कैसे जुड़ेंगे? दीदी समूह में हम इस तरह जुड़ेंगे कि 50 दीदी, अधिक से अधिक 200 दीदी को जुड़ना पड़ेगा, इकट्ठा होंगे तो ये समूह बनेगा। दीदी जिस तरह हम लोग स्कूल में नाम लिखाते हैं उसी तरह इसमें भी हम अपना नाम लिखा रहे हैं, 50 रुपया देकर सदस्य इसका बनेंगे, ये सदस्यता शुल्क इसको कहते हैं। जब ये सदस्यता शुल्क पैसा जमा हो जाएगा तब 3 गो मेंबर चुनाएंगे, अध्यक्ष सचिव और कोषाध्यक्ष। उत्पादक समूह बनेगा, उस समूह को देख रेख करने के लिए एक VRP का भी चुनाव किया जाएगा। सभी दीदी मिलकर इसका एक उत्पादक समूह का नाम चुनाव करेंगे। दीदी यह सब जो पैसा जमा होगा वह कहाँ जाएगा? अभी दीदी ये पैसा भीओ में ही जमा होगा और जिस समूह के नाम से हम लोग खाता खुलवाएंगे बैंक में, वही नाम से फिर खाता बैंक में पैसा जमा होगा। खाता खुलने के बाद 2 कमेटी बनेगा। कौन कौन सा कमेटी बनेगा दीदी? एक खरीदारी कमेटी, एक विपणन कमेटी। दीदी 2 गो कमेटी बनना उसका क्या क्या काम है? दीदी ये 2 कमेटी का काम है, एक खरीदारी कमेटी है जो दीदी सब्जी खरीदेगी और दूसरा हुआ विपणन कमेटी, वो कमेटी है जो वो दीदी विपणन कमेटी के दीदी वो सब्जी लेकर बाहर जाएगी बेचने के लिए बाजार में, उसके साथ VRP दीदी भी जाएगी। खरीद बिक्री कमेटी किसान के लिए समय पर सामग्री समय पर ही खरीद के उन लोग को देंगे। दीदी अभी तो बताएं कि 50 से लेके 200 के बीच में सदस्य रहेगी, वो मने थी रहेगी,
तो उसको कैसे आप नियंत्रण कीजिएगा कि समूह को ठीक कीजिएगा? यहाँ पे 200 दीदी है, तो 200 दीदी को आप कैसे क्या कीजिएगा? दीदी अभी इधर सब दीदी के चेहरा पर लाइट आ रहा है, इसीलिए हम लोग थोड़ा इधर हो जाते हैं। और जिस तरह भीओ में को बैठक होता है, उसी प्रकार सदस्य स्वयं सहायता समूह के दीदी, तीन दीदी आती है बैठक में, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष, वो तीनों दीदी बैठक में आती है। उसी प्रकार इस बैठक में भी, उत्पादक समूह के बैठक में भी दीदी आएंगी, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष। अपना समूह का जो स्वयं सहायता समूह, उत्पादक समूह का जो समस्या है, वो समस्या सब वो अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष जो बैठक में बताएगी और इस समस्या का समाधान होगा। ये समाधान बैठक में जो बात बतलाया जाएगा, वो अपने स्वयं सहायता समूह में जाकर अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष जो तीनों दीदी हैं, अपना अपना स्वयं सहायता समूह में उसमें जाकर सब लोग बताएंगे। समझे ना दीदी? क्या दीदी आप लोग समझ गए? हाँ दीदी समझ गए। जो बख्तियारपुर में सब्जी नहीं बिकता था, वो सब्जी यहाँ गाँव में बिक जाएगा। पहले हम लोगों का गांव में सब्जी का कम भाव मिलता था। अब हम लोग सब्जी का उत्पादन किए हैं, तो हम इसको बेचेंगे पटना, बख्तियारपुर, फतुहा जाकर, इससे कि ज़्यादा हमको भाव मिले, इससे ज़्यादा फायदा हो हमारी समूह को। इकट्ठा सब्जी बेचने से हम लोगों का समय भी कम लगेगा और किराया भी कम लगेगा, और जो समय बचेगा उससे हम लोग दूसरे काम को कर सकते हैं।